प्राकृतिक या सामान्य क्षण क्या कहलाता है? तो भूगर्भीय क्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपवाह जल को जलाशय में इकट्ठा करने का जल संग्रह तकनीक क्या है? कैचमेंट जल संग्रहण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। न्यूनतम भू परिष्करण की अवधारणा शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल फसल की अपेक्षा अंतर सस्यन की जल उपयोग दक्षता होती है, अधिक होती है, ठीक है। भारत में मिश्रित फसल प्रणाली मुख्यतः किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो इसमें शुष्क क्षेत्रों में अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, ड्राई लैंड सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जन नापने के लिए मुख्यतः किस इवापोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा USWB क्लास ए ओपन पेन इवापोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गली सस्यन का अर्थ क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ों की तेज बढ़ने वाली प्रजाति के बीच खाली पड़ी भूमि में सस्य फसलें उगाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम ड्राईलैंड रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1923 में कहाँ हुई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मंजरी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा की गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जल समेट है, तो जल समेट जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फसल बुआई वाले क्षेत्र में लाइसी मीटर से किसकी मात्रा मापते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक ईटी का प्रयोग किया जाता है। गली फसल के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेज रो अंता सस्यन कहलाता है। उदाग्र पलवार है एक, क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पतिक पलवार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा चलने की दिशा क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो लिबर्ड कहलाती है। 17 नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः फसल पद्धति प्रभावित होती है किसके? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सामान्य जलवायु की अपेक्षा अगर शुष्क जलवायु की अपेक्षा लंबे समय तक रहती है तो उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो कहलाता है सूखा कहलाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूखा क्या है? सूखा क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी विशेष क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा को सूखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे के लिए बेहतर प्रक्रिया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट एड, विकास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने 21 क्वेश्चन, तो देखिए 21 का आपका देखिए क्वेश्चन, सूखे की प्राथमिक आपदा कौन सी है? तो सूखे की प्राथमिक आपदा है जल की कमी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूखे की स्थिति में खेती करने से उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थायी मृदा क्षरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे का प्राकृतिक कारण क्या है? तो सूखे का प्राकृतिक कारण है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्षा की विफलता। ठूंठ पलवार का संबंध किससे है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी, मृदा एवं जल की हानि में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसके सामने, पौधों की ऊपरी सतह में किसी भी प्रकार का पदार्थ प्रयोग करने से पहले
जल की हानि होती है तो यह क्या कहलाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो यह कहलाती है बाष्पन प्रतिरोधी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा बंद करने वाला बाष्पन प्रतिरोधी क्या पदार्थ क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सेसिक एसिड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, तो जब 1150 मीटर से वर्षा अधिक होती है तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, शुष्क क्षेत्र खेती कहलाता है। शुष्क क्षेत्र खेती में फसल अवधि होती है 200 से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन सामने है, जल संग्रहण शब्द किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एजी टेंसले ने दिया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बस जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब के लिए बाय।